अस्सलामुअलैकुम, मैं मदरा, आप देख रहे हैं पप्पू हिट। आज मैं लेकर आया हूँ एक फर्नेस, एक हमारे पास हमारी फर्नेस और हमारे पास है कुछ एल्यूमिनियम स्क्रैप। ठीक है, तो आपने गैस तो कर लिया होगा कि हम फर्नेस और स्क्रैप एल्यूमिनियम का पड़ा है, तो हम इसको मेल्ट करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसे मेल्ट नहीं करेंगे, मेल्ट करके हम इसमें कुछ फ्रेम सांचे बनाएंगे। मैं लेकर आया हूँ अपने साथ एक बंदूक। देखिए, ये कोई असली बंदूक नहीं, ये खिलौने बच्चों वाली बंदूक है, मिट्टी में रहकर गंदी हो गई है। ठीक है, इसकी सफाई करते हैं और इसका हम लोग सांचा बनाएंगे और उस सांचे में बना के देखेंगे एल्यूमिनियम की गन। ठीक है, क्या ये बन पाएगी, क्या ये शेप ले पाएगी एक गन की तरह। ठीक है, आए पहले हम भट्टी को गर्म करते हैं, फिर उसमें एल्यूमिनियम डाल के पिघलाएंगे, जब वो मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसका सांचा बनाएंगे और सांचे में एल्यूमिनियम डालेंगे ताकि एल्यूमिनियम की गन बने। ठीक है, चले फिर शुरू करें। ये है हमारे पास फर्नेस, बंदूक को साइड रख लेता हूँ और इसमें ठीक है इतना बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम एल्यूमिनियम अपना डालते रहेंगे, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाता हूँ। वो देखो, वो अंदर मैंने अभी डाला है। ठीक है, अब ये देखो ना, ये अभी सख्त है। ठीक है, थोड़ी देर में ये ना नरम हो जाएगा और नरम के साथ में घर के अंदर चला। ठीक है, अभी ये हो गया, अब मैं डालूंगा और इसी तरह अंदर एल्यूमिनियम डालता रहूंगा, इसको भरूंगा एल्यूमिनियम से और फिर हम लोग बनाएंगे सांचे। हमारी भट्टी हो रही है तैयार, हमारा एल्यूमिनियम पिघल रहा है, तब तक हम सांचे बना लेते हैं। इधर अपना बनाएंगे सांचा। ठीक है, इसको साफ किया, थोड़ी सी टूटी हुई है तो ये हम लोग इसका करके बहुत अच्छी बनी है। ठीक है, ये सांचे को थोड़ा सा यूं कर लूं। ठीक है, ताकि भाई हमारा सांचा हो गया तैयार, इसको मैं छेड़ता नहीं हूँ। ठीक है, इसके साइड पे सपोर्ट के लिए इसको मिट्टी लगा दें। ठीक है, अब ये ज़रा धूप में थोड़ा सूख जाए। ठीक है, ताकि एल्यूमिनियम इसके अंदर भरना है हमने एल्यूमिनियम पूरा ना। अच्छा सांचा बना है भाई, अभी एल्यूमिनियम, आओ एल्यूमिनियम देखते हैं कहाँ तक पहुँचा, और डालते हैं एल्यूमिनियम ना। चले, हमारे पास एल्यूमिनियम अगर ज़्यादा बच गया तो हम एक और सांचा बनाएंगे, वो है मेरे हाथ का।
चलो सही हो गया। ठीक है अब हम ज़रा चेक करते हैं। ओह अरे मेरे पिघल चुका है। ओ रुको ओ भैंस की आँख वो देखो कितना गर्म हुआ भाई देखो ना हीट को ये ठीक है। आप ये देखो और ये इसके अंदर मैं पहले डालूंगा थोड़ा सा और ये ओहो इसके लिए बचा ही नहीं। ओहो ये देखो सर किस तरह हमारी बंदूक तैयार हो रही है और ये हमारा हाथ है जो अभी मतलब एल्युमिनियम कम हो गया था लेकिन फिर भी देखो कुछ एक उंगल तो बन गई है। ये अभी भी ज़रा बहुत गर्म है अभी पिघलन स्टेट में। ये देखो कितनी प्यारी बंदूक बनी है। ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है। अब अभी हम इसके सूखने का देंगे। ये देखें सर किस तरह आपको धुआं धुआं लग रहा होगा हैं। ये मिट्टी को गर्म कर रहा है। ठीक है हीटअप हुआ है अभी लिक्विड स्टेट में। ठीक है अभी ये ठंडा होगा। ठीक है टाइम लगेगा इसको ठंडा होने में सही है और फिर हम देखेंगे किस तरह ये सारा हम लोगों ने ना एल्यूमिनियम को पिघलाया है जो कचरा था वो बाहर निकल आया। ठीक है और बाकी प्योर एल्यूमिनियम इसमें हमारा आ गया। ये देखें किस तरह तैयार हो रही है हमारी बंदूक और ये हमारा कोई आधा हाथ प्लस वन फिंगर और आधा अंगूठा है। चले इसके आगे देखो ये थोड़ा चेक करते हैं। हाँ ये सॉलिड स्टेट में चला गया। ठीक है ये भी सॉलिड स्टेट में चला गया। इसको निकालते हैं ज़रा देखो ये हमारा ये हाथ ऐसे फिंगर बनी है और ये अंगूठा है। ये अंगूठा है ये मेरा अंगूठा है ये फिंगर है ये सही है। इसको ना ऑफिस में लगाते हैं। ठीक है और हमारे पास यहाँ पर है वो भैंस की आँख। ये देखो क्या शेप आई है बंदूक ये देखो ये ओह बहुत गर्म है ये अभी बहुत गर्म है। इसको ज़रा ना ज़रा ठंडा कर लें। ठीक है फिर आपको दिखाते हैं ये बंदूक। ठीक है ये देखो बिल्कुल ऊपर टेक्सचर बहुत अच्छा आया है। ठीक है वो यार कमाल है यार ये देखो किस तरह का ना ये एलुमिनियम ये देखो पिंक हो गया ना। पर मैं पानी लाता हूँ पानी इसके ऊपर डालते हैं और देखते हैं हमारी बंदूक कैसे तैयार हुई है। डब्बा किधर है भाई इसे पानी डालो। ओह बंदूक का पानी डाल तो ठंडी काफ़ी हो गई है। ठीक है ये चीज कैसी है बंदूक बहुत भारी है भाई बहुत भारी है। ये देखो बिल्कुल टेक्सचर देखो बहुत अच्छा है जैसी थी ना बंदूक नीचे से भी इसने पूरा लिया है ऊपर से भी ना ये अंदर सुराख रह गया सुराख उठा उठा। ये देखे कितनी मजबूत प्यारी बनी इसमें देखो टेक्सचर देखो कितना डिटेलिंग आई है। ठीक है जहाँ पे सुराख नहीं उठा उठा होता था ये देखो ये बिल्कुल बहुत प्यारा टेक्सचर आया और बहुत हैवी बंदूक है ये बहुत मज़ेदार बनी है सर जी पहली दफा बनाई है लेकिन देखे कितनी अच्छी कितनी मज़ेदार बनी है प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है कचरा सारा उसमें से निकल गया था ये प्योर एल्यूमिनियम आया है और ये था भाई फायरिंग भाई
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, हमने न्यू चीज़ ट्राई की, आपको बहुत मज़ा आएगा। हम दोबारा आएंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।